नमस्कार एशिया नेट न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं श्रीकांत सोनी। एक पक्षी को पड़ा हुआ देख एक युवा ने एक देश के लिए नेक मिशन बना दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक को नो जोन बनाने के लिए ये युवा जुट चुका है, क्योंकि इससे पर्यावरण और पृथ्वी को और साथ ही लोगों को प्लास्टिक से नुकसान हो रहा है। इसीलिए मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले ब्रजेश शर्मा ने इसे अभियान बना लिया और वो भारत भ्रमण पर साइकिल से निकल चुके हैं। जी हाँ, ब्रजेश हमारे साथ है लाइव। ब्रजेश, बहुत बहुत स्वागत आपका एशिया नेट न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। आपने वक्त निकाला। सबसे सवाल पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि किस तरह से आपने ये मिशन बनाया। बढ़िया सेट थे आप, यूरोप में जॉब कर रहे थे, पूरा परिवार सेट था, लेकिन आपने जॉब छोड़ दी और साइकिल से भारत भ्रमण पर निकल चुके। एक्चुअली सर, जैसा कि आपको पता है कि मैं पूरे इंडिया के साइकिल टूर पर हूँ, और जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री इंडिया जो कि मेरा कॉज है, तो मैंने एक्चुअली जब मैं वहाँ पर जॉब कर रहा था और कहा था, तो मेरे एक फेसबुक फ्रेंड ने शेयर करके जिन्होंने मेरे को एक अच्छी बर्ड का पिक भेजा था, तो वो बर्ड जो कि कागज के किनारे बैठा हुआ था, पॉलिथिन में पकड़ा हुआ था। तो हमारी ऐसी नॉर्मली हर रोज बात होती थी, तो फेसबुक पे जब उन्होंने मेरे को ये पिक शेयर किया, बोले देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथिन से ये नुकसान है, तो मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हवा है। उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उसी टाइम पे 15 अगस्त था और हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लाल किले से स्पीच दिया था कि क्या हम अपने देश को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बना सकते हैं। तो उसको भी मैंने ध्यान, जब मैंने वो स्पीच सुना और मैंने देखा कि सिंगल यूज प्लास्टिक होती क्या है, मेरे को भी नहीं पता था कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, पर मैंने इंटरनेट पर गूगल पर सब सर्च किया सिंगल यूज नुकसान है लोगों को या जीव जंतुओं को या जो भी है। तो मैंने जब वहाँ पर देखा, तो जैसा कि हमारे देश में गाय को गाय माता का दर्जा दिया है, तो देश में सबसे ज़्यादा गायों की हत्या हमारे द्वारा की जाती है, क्योंकि जब एक गाय पॉलीथिन खाती है तो उसके पेट से 40 से 45 केजी प्लास्टिक उसके पेट से निकलता है मरने के बाद। तो कहीं ना कहीं गायों को मारने के अखबार हम, क्योंकि हम ही पॉलीथिन में सामान रखते हैं और गाय पॉलीथिन खाती है। दूसरा चीज, सेकेंड थिंग, कि हमारे देश में नदियाँ, हमारे देश में माता का दर्जा दिया, कोई भी नदी हो, चाहे वो गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया। लास्ट टाइम जब मैं जबलपुर में था, तो जबलपुर के भेड़ा घाट में आपने नर्मदा का जो संगम है, नर्मदा नदी है, वहाँ पर मैंने लोगों को देखा कि कुरकुरे और चिप्स के पैकेट खा के वो नदी में पानी की बोतल पी के नदी में ही फेंक रहे हैं। तो जब मैंने इसके बारे में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि हम जो प्लास्टिक का यूज करते हैं और वो नदी या तालाब में कहीं पर भी जाता है, तो वो सिंगल यूज प्लास्टिक एक माइक्रो प्लास्टिक में तब्दील हो जाता है, जो पार्टों में बढ़ जाता है, तो उसे हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। तो वो माइक्रो प्लास्टिक छोटे छोटे जीव जंतु खाते हैं जो कि तालाब में, नदी में, जैसे कछुआ हुआ, तो वो जो प्लास्टिक के खाते होते हैं, कितनी सारी जीव जंतु की हत्या हमारे द्वारा की जाती है। तो ऐसे ही प्लास्टिक, चाहे वो जमीन में हो, चाहे वो पानी में हो, तालाब में हो या समुद्र में हो, कहीं पर भी हो, सिंगल यूज प्लास्टिक से नुकसान सबसे ज़्यादा हमें जीव जंतुओं को है, पर्यावरण को है। और आज हम जो डिस्पोजल में जो गिलास में चाय पीते हैं, आज किसी भी गुमटी पे जाके हम जो चाय पीते हैं डिस्पोजल गिलास में, तो सर मैंने उसके बारे में जब पढ़ा, तो सोचिए कि जिस सिंगल यूज प्लास्टिक से इतने सारे नुकसान है, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इंडिया जाके अपने देश के लोगों को, यानी कि मेरा इंडिया मेरा घर है, बिल्कुल मैं अपने घर के लोगों को जाके अवेयर करूंगा। और सबसे ज़्यादा मेरा फोकस इसीलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी पर है और स्कूल्स में है, जहाँ मैं स्पीच देता हूँ बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक से। बिल्कुल बहुत अच्छा मिशन है, इस मिशन से आपको भी जुड़ना चाहिए। सिंगल यूज और प्लास्टिक कितनी खतरनाक है, जैसा कि ब्रजेश ने बताया। इसके अलावा ब्रजेश, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आप साइकिल से कब आपने घर छोड़ा और कब आप भारत भ्रमण पर निकले और कितनी साइकिल अभी तक आप चला चुके हैं और अगला टारगेट आपका क्या है, कहाँ से आप? एक्चुअली सर, मैं अभी तक, मैंने 17 सितंबर को हमारे देश के पीएम जो कि नरेंद्र मोदी जी, आज पूरा देश उनकी तरफ निगाहें, मतलब उनकी न्यूज़ सुनता है, मतलब वो सभी के लिए एक आइडल है। तो कहीं ना कहीं मैंने उन्हीं के बर्थडे पे, क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त ये स्पीच दी थी सिंगल यूज प्लास्टिक बना सकते हैं इंडिया को, तो तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं क्यों ना उन्हीं के जन्मदिन के लिए स्टार्ट करूँ। तो मैंने 17 सितंबर को ये गांधीनगर से गुजरात के बिल्कुल 2019, तो उस दिन भी पीएम साहब एक्चुअली वहीं पर थे, वो अपनी मॉम का आशीर्वाद लेने हर बर्थडे पे गांधीनगर जाते हैं। तो वहाँ से मेरा मेयर गांधीनगर मेयर रिया रीता पटेल ने फ्लैग ऑफ किया था, तो उन्हीं के बर्थडे के दिन मैंने स्टार्ट किया और मैं अभी तक 5 स्टेट कंप्लीट कर चुका हूँ और 7,300 किलोमीटर, मैं 2,05,000 स्कूली बच्चों को अवेयर कर चुका हूँ। दूसरा
2300 स्कूल्स कॉलेज में विजिट कर चुका हूँ और बच्चों को अभी बिल्कुल। तो 5 राज्यों की यात्रा साइकिल से कर चुके हैं ब्रजेश और 7300 किलोमीटर आप साइकिल चला चुके हैं। इसके अलावा ब्रजेश मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जब आप साइकिल से जाते हैं तो एक दिन में या कितने 12 घंटे चलाते हैं या 13 घंटे चलाते हैं, कितने 100 किलोमीटर एक दिन में आप चलाते हैं और इन इन इस दौरान आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखिए सर, एक्चुअली एक दिन में मैं 150 से 160 किलोमीटर पर डे मैं डिसाइड कर लेता हूँ। जब सुबह में मॉर्निंग होती है तो मैं पहले दिन गूगल पर सर्च कर लेता हूँ कि मैं आज अगर भोपाल में हूँ तो अगला पड़ाव मेरा क्या होगा, तो मैं पूरा पहले ही सुबह आधा घंटा मैं गूगल पर ये सारी चीज़ें सर्च करता हूँ। आगे सिटी कौन कौन सी हैं, छोटे छोटे शहर कहाँ हैं, कौन से सरकारी स्कूल हैं, कौन से बड़े स्कूल हैं, तो इस टाइप से मैं एक दिन में मुझे क्योंकि प्रोग्राम भी ज़्यादा करना है और बच्चों को अवेयर करना है, तो ऐसा नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं साइकिल पर झंडा लगा के निकले चला जा रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, वो सब नहीं। तो जहाँ स्कूल पढ़ते हैं, जहाँ सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूलों में खुद जाता हूँ। पहले शुरुआत जब की थी 4 महीने पहले तो मैं खुद स्कूल्स में जाता था, यूनिवर्सिटी में जाता था, परमिशन लेता था, बट अभी मेरा कॉज लोगों को न्यूज़ पे या आप लोगों के माध्यम से जितना ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक दिन में मैं 10 से 12 घंटे साइकिलिंग करता हूँ, 150 से 160 किलोमीटर पर डे साइकिलिंग करता हूँ। अच्छा, फिर रास्ते में रुकना रुकते कहाँ हैं? मैं रात को रास्ते में जैसे कि कहीं पर भी मंदिर हो, कोई ढाबा हो, या फिर जैसे ग्राम पंचायत कोई गांव लगता है तो ग्राम पंचायत के सरपंच से जाके मिलता हूँ, उनसे परमिशन मांगता हूँ कि मुझे कहीं रुकने के लिए जगह दे दीजिए। तो मेरा ये कॉज ऐसा है तो इसलिए मैं कहीं पब्लिक प्लेस में ही रुकना पसंद करता हूँ और रात को मंदिर या ढाबे पर ही रुकता हूँ। डाइट का किस तरह से ख्याल? एक्चुअली मैं डाइट में सर देखिए सुबह आधा लीटर दूध और 6 केले, और दोपहर में भी मैं इसी टाइप से आधा लीटर दूध और 6 केले, और खाना पूरा डाइट जो दोनों टाइम का खाना होता है और प्रॉपर नाश्ता जो होता है, इस टाइप से बस डाइट है मेरी, और कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई टैबलेट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मैं साइकिलिंग करता हूँ और दूध और केले, बस ये मेरी डाइट है। बिल्कुल। इसके अलावा अभी 5 राज्य खुल चुके हैं, कितने राज्य और मतलब कितना सफर? सर एक्चुअली पूरा 23,000 किलोमीटर की मेरी यात्रा थी, जिसमें से अभी एक्चुअली मेरे को प्रोग्राम सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो अभी भी मैं यहाँ से जैसे कि जाऊँगा तो मैं आगे उज्जैन में और इंदौर में मेरे प्रोग्राम है, तो अब 23,000 से 30,000 हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे रूट में नहीं था, जैसे कि मैं लखनऊ तक मेरा रूट था, लखनऊ के बाद मैं बनारस गया, बनारस से मैं सोनका चुको मिर्ज़ापुर और रीवा सतना, ये सब ये मेरे रूट में नहीं थे, फिर भी लोगों ने मुझे इनवाइट किया, वहाँ के मेयर ने इनवाइट किया, कि कहीं कमिश्नर ने इनवाइट किया, तो मैं उनके यहाँ गया। तो अब वो 30,000 किलोमीटर की जर्नी हो जाएगी और पूरा इंडिया टूर करना है, जिसमें मैं पूरे देश में अपनी साइकिल यात्रा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मेरा मकसद है कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूँ, और ये पूरी साल चाहिए। बिल्कुल, लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से अपील यही करूंगा कि जैसा कि हमारे देश में पीएम साहब श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मैसेज दिया कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो जैसे कि मैं आज भोपाल में हूँ तो मैं भोपाल के वासियों को बोलना चाहूंगा कि स्वच्छ भोपाल स्वस्थ भोपाल और सिंगल यूज प्लास्टिक। बिल्कुल। अच्छा, मतलब साइकिल में आपकी कोई खासियत है? क्योंकि कुछ ऐसी खासियत थी पूरे इंडिया में आप पूरा भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा कुछ ये आपने एक ये सवाल जो है आपका, मैं बताऊं कि मेरी साइकिल में एक्चुअली मेरे को साइकिलिंग का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। 16 तारीख को साइकिल खरीदी और 17 को मैं निकल चुका, तो जब मैं जिस शोरूम पर साइकिल को जब कोई छोटी मोटी चैन में बदलाव करना होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं जाता हूँ वहाँ पर, तो शोरूम वाले बोलते हैं कि सर आप मेरी साइकिल को आइडिया नहीं था, तो बोलते हैं कि ये साइकिल इंडिया टूर के लिए है ही नहीं, ये माउंटेन बाइक है दरअसल, और इसमें 10 गियर हैं और इसमें डिस्क ब्रेक है, 10 गियर है, तो मेरे को आइडिया नहीं था कि इस साइकिल से इंडिया टूर हो सकता है, पर वो लोग बोलते हैं कि सर आपको सल्यूट है कि आप इस साइकिल से साइकिल। अच्छा, इसमें क्या क्या और सामान रखा हुआ है? तिरंगा तो हमको नजर आ रहा है, मेरे जो टी शर्ट हैं आप चाहे बेशक देख सकते हैं, इसमें कुछ टी शर्ट हैं, 2-3 टी शर्ट, जोड़ी कपड़े हैं, और एक मेरा स्लीपिंग बैग है जिसमें मैं सोता हूँ, और बस यही, और एक मेडिकल किट है जो रास्ते में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, और एक पंक्चर किट, अगर मेरी साइकिल पंक्चर हो जाती है तो मैं फैमिली के बारे में सर, ऐसा मेरी फैमिली बैकग्राउंड एक अच्छा है, और लोग मेरे को जब उनको सरप्राइज जब मैं इंडिया आया तो थोड़ा सा कहता है कि क्यों ऐसा किया, अभी सभी गुड फील करते हैं और प्राउड फील करते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छा काम है, और जब मैं कल गवर्नर साहब ने मुझे इन्वाइट किया था तो भी प्राउड सभी लोग प्राउड हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है।
बिल्कुल, तो देश के लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक कितना घातक हो रही है हमारे लिए, और लगातार यही अभियान भी चलाया जा रहा है। तो ये नेक मिशन के लिए जुटे हैं ब्रजेश शर्मा, मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले, और लोगों से भी यही अपील कर रहे हैं कि आप भी इस अभियान में जुड़ें और सिंगल जो यूज प्लास्टिक होती है उस पर हमारे भारत को मुक्त बनाएं। एशिया नेट न्यूज लेकर फैलाने के निकले हैं, और लोगों से सिर्फ एक ही अपील है कि आप पॉलीथिन की जगह घर से कपड़े का थैला लेके निकले, और जहाँ जितने भी ज़्यादा लोगों से आप अपील कर सकते हैं मेरे माध्यम से, अगर मैं आपके शहर में हूँ, अगर आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मेरी यात्रा सफल हो, तो मैं बस आप सभी लोगों से भोपालवासियों से यही अपील करूँगा कि हमें पॉलीथिन का उपयोग नहीं करना है और घर से कपड़े का थैला लेके निकला और उसी में सामान। बिल्कुल, तो एशिया नेट न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रही है हमारे साथ। नमस्कार।